अभी नहीं हुआ है, 5 4 5। हाय नीतू मैम, हाँ जी, यू कैन स्टार्ट योर सेशन मैम। ओके ओके। तो सुपर मॉम्स, क्या मैं सेशन शुरू करूं? आप लोगों की परमिशन है? आप बिल्कुल बिल्कुल। लोग बहुत एक्सपर्ट और बहुत एनर्जेटिक, बहुत जानकार लोग हैं। प्लीज अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। ये मैं पहली बार बता रही हूँ, इसलिए तुम हाँ कंफर्टेबल हो। तो इसके लिए जो मैं बता रही हूँ कि पहले हम व्हाइट सीमेंट, आप व्हाइट सीमेंट भी ले सकते हो या नॉर्मल सीमेंट भी ले सकते हो, ठीक है? ये जो हमारा होता है ये व्हाइट सीमेंट है, दिख रहा है आपको? हाँ, ये हमारा व्हाइट सीमेंट है। मैं व्हाइट सीमेंट यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो ये जो नॉर्मल सीमेंट है होता है हमारा, आप इसको भी यूज कर सकते हो। मैं ये बिरला व्हाइट यूज करूं? ये जो है ये हमारा नॉर्मल सीमेंट जो होता है ब्राउन कलर का, ये हमारा नॉर्मल सीमेंट होता है। ठीक है, तो ये सीमेंट हम लेंगे और इसका एक अच्छा गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। कितना इसमें लेना है मैम? नामों का तो, हाँ क्वांटिटी जी, कितना लेना है? क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग है। आप पॉट किस हिसाब से बना रहे हो उस हिसाब से आपको सीमेंट लेना होगा। जैसे आप किसी पॉट में बना रहे हो, जैसे मानो ये पॉट है और आप इसको बनाना चाह रहे हो, तो इसमें आपको ज्यादा सीमेंट लगेंगे। लेकिन मैं जो पॉट बता रही हूँ आपको, वो हम ओल्ड क्लोथ से बना रहे हैं। इस तरह की कोई भी ओल्ड क्लॉथ जो आपके घर में पड़े हो, आप उसको स्क्वायर में या राउंड शेप में काट सकते हो और फिर इसको हम इसमें डिप करके किसी भी शेप में आप करके ओवरनाइट ये सूख जाएगा, कॉटन के ठीक है? फैब्रिक कौन सा होना चाहिए? कॉटन का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? हाँ, कॉटन क्लॉथ वो ले लो आप, थोड़े मोटे थोड़ी मजबूत होने चाहिए, ठीक है? एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है हमें इस सीमेंट का। ये जो पेस्ट आपको बनाना है थोड़े थिक रखने हैं, बहुत ज्यादा आप इसको फ्लोई करोगे ना तो फिर ये आपके जो पॉट बनेंगे वो बहुत नाजुक से बन जाएंगे। आंटी कैसे करना है, एक बार और बता दो। एक मिनट बेटा, मैं बताती हूँ अभी आपको। आप किस चीज से बना रहे हो? सीमेंट से बना रहे हो? हाँ जी, व्हाइट व्हाइट सीमेंट। सीमेंट से बना रहे हो, तो आप व्हाइट सीमेंट को पहले किसी पॉट में डाल लो। ठीक है, पॉट में डाल के फिर उसमें थोड़े थोड़े पानी डालो। पानी ठीक है। डाल के, हाँ पानी डाल के उसका एक ऐसे पेस्ट बना लो। बहुत फ्लोई पेस्ट नहीं होना चाहिए, कितना लेना आंटी, पानी कितना लेना है? पानी? बिल्कुल थोड़े थोड़े डालो आप शुरू में, ठीक है ना? क्योंकि आपको अभी आइडिया नहीं है ना, तो इसलिए थोड़े थोड़े से शुरू करो। और जब थोड़ा आपको इस तरह थोड़ा थिक पेस्ट लगे, ये देखो बहुत फ्लो ही नहीं हो करना है आपको, ठीक है? ठीक आंटी, सीमेंट कितना लेना है? सीमेंट आपको बेटा अपने अकॉर्डिंग लेना है, आप किस तरह के पॉट बनाना चाह रहे हो।
आप किसी पॉट में डाल के बनाना चाह रहे हो या किसी क्लोथ्स के साथ बनाना चाह रहे हो? पॉट, पॉट के साथ बनाना चाह रहे हो, तब आपको थोड़ी ज्यादा सीमेंट चाहिए। जैसे अगर आप किसी पॉट में डाल के, जैसे ये हमारा पॉट है, ठीक है, इसमें हम सीमेंट डालेंगे और सीमेंट डाल के फिर इसके बीच में किसी चीज को ऐसे डालेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा पॉट जो होगा वो इस शेप का बन जाएगा, इस साइज और ये शेप का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको अभी बता रही हूँ वो मैं आपको एक क्लोथ में बता रही हूँ, इसमें हमें बहुत ही कम सीमेंट चाहिए, ओके, ठीक है, थैंक यू आंटी, वेलकम। तो ये जो है ना, आप ये कोई भी ओल्ड क्लोथ ले सकते हो, थोड़ी मजबूत होनी चाहिए ये, ठीक है, और इसको आप या तो स्क्वायर शेप में काट सकते हो या सर्कल में, किसी भी शेप में आप काट सकते हो। और आप इस क्लोथ को इसमें आप डिप कर लो। सीमेंट को आपने पतला घोला या ठीक रखा थोड़ा? हाँ जी, सीमेंट को पतला घोला था क्या? पतला नहीं करना है ज्यादा और ना ही ज्यादा थिक करना है, बिल्कुल मीडियम रखना है, ताकि ये जो हमारा क्लोथ है ना इस पे अच्छे से उसकी एक कोटिंग आ जाए। ओके, आप दिखाएंगे अपना पेस्ट जरा? हाँ, मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको। अगर आप किसी पास कोई किसी भी टाइप की अगर ग्लव्स है घर में तो आप इसको हाथ में डाल लेना, क्योंकि सीमेंट से थोड़े हाथ को वो स्किन थोड़ी वो हो जाती है, थोड़ा हार्ड होता है ना ये देखो। ऐसे तो मैंने थोड़ी वो गाढ़ी पेस्ट बनाई थी, लेकिन अभी जो ये कपड़े को मैंने डाला है तो ये इसने मॉइस्चर ये कर लिया, और ये देखो कपड़े को पूरी तरह से इसमें कोट हो जाना चाहिए पेस्ट। इसे डिप करके क्या करना है? ये डिप कर लिया, अब आप कोई भी लंबा सा पतला सा अगर आपके पास कोई भी ग्लास हो, कोई पुरानी इस तरह की बॉटल हो, या कोई भी कुछ नहीं भी हो तो आप इस तरह की बॉटल भी ले सकते हो, कोई भी पतला लंबा सा चीज ले लो जिसके ऊपर हम क्लोथ को इस तरह से बेसिकली जो भी आपको शेप देना चाहते हो आप वही उसी को कवर करना है, जो भी शेप आप देना चाहते हो। अगर कुछ नहीं है तो आपके घर में स्टील की ग्लास होगी या डिस्पोजेबल ग्लास है, कोई भी चीज पर आप उस कपड़े को इस तरह लेके और ये इस तरह से डाल लेना आपको। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? और इसको आप जैसे भी शेप दोगे ये सूख के बिल्कुल सेम शेप में आ जाएगा आपका। आंटी? हाँ जी। मिट्टी का पॉट ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मिट्टी के पॉट में ये है कि शायद आपको निकालने के समय आपकी मिट्टी की पॉट टूट सकती है, ठीक है, तो कुछ भी आप ऐसी चीजें लेना
जैसे ये जो मैंने डाला है ना, तो इसको भी मैंने पहले ये थोड़ी गीली कर ली है, और जब भी आप निकालोगे तो इसको जो ये वाले हैं इसको आप अच्छे से होल्ड करना। आंटी फिर से दिखाइए ना। हाँ जी, ये आपने कैसे बनाया वो एक बार फिर से बताइए ना। अभी मैं फिर से बता देती हूँ, देखो अभी मैं इसको थोड़ी ज्यादा मजबूत हमें बनाने के लिए मैं एक और कपड़े का इसके ऊपर डालूंगी, जिससे कि ये हमारा जो पॉट होगा, ये भी पॉट हमारा सही है, इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लगा के रख सकते हो, लेकिन अगर आप ओरिजिनल लगाना चाहोगे तो ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो इसमें मैं फिर से एक बार एक और कपड़े की कोटिंग कर रही हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ। ये सीमेंट को आपको इस तरह से एक पेस्ट बनाना है स्मूथ सा, बहुत ज्यादा फ्लोई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज क्लोथ को आप क्लोथ कोई भी शेप का ले सकते हो, आप चाहो तो स्क्वायर शेप में ले सकते हो, चाहो तो आप सर्कल शेप किसी भी शेप में ले सकते हो, और इसको इसमें आप डिप कर लो अच्छे से। और अगर आपको इसमें मैं एक और चीज बता देती हूँ, अगर आपको ओरिजिनल फ्लावर पॉट के लिए यूज करना है तो आप पहले इस जो स्क्वायर शेप के कपड़े को ऐसे बीच से पकड़ के सीजर से एक बीच में कट लगा देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आप ओरिजिनल फ्लावर्स के लिए जो वाटरिंग करोगे, पानी डालोगे, तो एक्सेस वाटर जो है यहाँ छेद से बाहर आ जाएंगे। और ये देखो इस तरह से आप कोई भी पॉट लो और इसको इसके ऊपर हम इस तरह से डालेंगे, सेंटर को बीच में करते हुए इस तरह से डालेंगे। कोई बात नहीं, आप छोटे बड़े कोई भी कपड़े ले सकते हो, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप छोटे क्लोथ लोगे तो छोटे आपके पॉट बनेंगे, अगर आप बड़ा लेते हो तो आपका पॉट बड़ा बनेगा, ठीक है। और आप इसको थोड़े ऐसे कपड़े को शेप दे दो, थोड़े गमले टाइप से, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? आंटी टाइम टाइम लगेगा? हाँ जी आंटी, इसको ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा? ये ओवरनाइट, कल सुबह तक सूख जाएगा आराम से, अभी तो गर्मी के मौसम है ना, आराम से कल सुबह तक सूख जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरह से ये हमारा पॉट, ये जब हमारा बनके तैयार हो जाएगा तो फिर ये हम इसको उल्टा करके और इसको ऐसे थोड़े से अच्छे से होल्ड करके ऐसे घुमा के धीरे धीरे आप इसको निकाल लोगे और ये आपका पॉट तैयार हो जाएगा। ये जो आपका पॉट है इसको आप ओरिजिनल फ्लावर्स के लिए और जो हमारे ऐसे आर्टिफिशियल आते हैं उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, और वैसे अगर चाहो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इस तरह का कोई पॉट लेके इसमें भी आप पेस्ट बना के इसमें पेस्ट डाल दो और फिर बीच में बर्तन डाल दो। ठीक है, तो फिर ये पॉट है वो आपका इसी शेप और इसी साइज का पॉट तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैं एक मिनट जरा हैंड वॉश कर लेती हूँ। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना वो फ्लावर पॉट इस शेप में निकल के आ जाएगा आपका, इस तरह का फ्लावर पॉट आपका तैयार हो जाएगा। क्या आप लोगों को हेलो? यस मैम दिख रहा है। हाँ, तो ये जो भी मैंने बताया ना वो आपका सेम ये शेप में तैयार हो जाएगा पॉट, और ये देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, तो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, आप कुछ नहीं भी करना चाहो तो आप एज ए शोपीस भी इसको ऐसे रख सकते हो। मैंने इसको तो फिर नाइस मैम, हाँ नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बस मैंने, हाँ इसमें तो मैंने वैसे कुछ किया नहीं है, बस ये जो थोड़े पोलका डॉट्स ये जो हमारे बच्चे होते हैं
यही सारा काम कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और इसको मैंने बस इसका डॉट्स डाल दिए हैं और इसके जो ये बॉर्डर्स को मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया है। क्या आपको शायद दिख रहा हो? ये मैं थोड़ी इसकी बॉर्डर जो है वो थोड़ी सी अच्छी से विजिबल हो जाए। ये बिल्कुल ये पॉट इतनी इजी है कि ये हमारे बच्चे ही हम मतलब बना ले सकते हैं आराम से। आंटी हाँ जी, इसको सुखाना है क्या? हाँ, उसको बेटा जो अभी आपने बनाया ना उस पे अभी आपका पेंट नहीं होगा, वो कल सुबह आपका सूख के इस तरह तैयार हो जाएगा। ये ठीक है, दिख रहा है ना आपको? सेम यही शेप में आपका वो पॉट तैयार हो जाएगा और फिर आप चाहो जिस तरह से उसको कलर करो। मैंने ये देखो ये सिर्फ छोटे छोटे डॉट्स बनाए पोल्का डॉट्स और इसके बॉर्डर्स को मैंने थोड़ी सी हाईलाइट कर दी है। ठीक है, आप इसको किसी भी पेंट ब्रश के साथ आराम से आप कोई भी एक्रिलिक कलर यूज करके कोई भी शेप डिजाइन जो भी आप करना चाहो आप इसको आराम से पेंट कर सकते हो। Yes, ma'am. ये व्हाइट सीमेंट से बनाना बहुत ही इजी होता है। एक मैंने ये बहुत ही छोटे से पीस बनाया है
ये देखो पेपर रोल करके मैंने इसके ऊपर इसको डाल दिया है, और इसके ऊपर आप कोई भी छोटा सा फ्लावर पॉट रख के आप इसको कर सकते हो। तरह से कोई भी फ्लावर पॉट से आप इसको इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये मैंने किया है, ये भी मैंने सेम इसी टाइप से बनाया है। ये दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। एक मैंने अपनी ये आशियाना से इंस्पायर्ड होके एक मैंने ये भी कोशिश की है, इसको भी मैंने व्हाइट सीमेंट से बनाया, फिर इसमें व्हाइट एक्रिलिक कलर किया है और इसको मैंने रेड बॉर्डर डाल दिया है। हेलो। हाँ जी। यस बबीता मैम। हाँ मैम, ये आशियाना के लोगों का साचा क्या लिया आपने? ये मैम मैंने कोई साचा नहीं लिया। किस प्रिंट पे बनाया आशियाना का लोगो? ये मैंने जो हमारे पास लोगो होता है उसको देख के मैंने जो हमारे पास थर्मोकोल आता है उसको अच्छा थर्मोकोल को कट करके आप ये बीच वाले स्पेस में सीमेंट डाल के आप ओवरनाइट छोड़ दो। ठीक है, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हाँ, और अभी मैंने इसको आधा ही किया है, इसको भी आप चाहो तो इस पे आप कोई छोटा सा पॉट आप इस पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि अभी तो मेरे पास ये छोटा कोई आपके पास अगर बॉटल हो तो जब ये गीला रहता है तो आप इसको इस तरह से डाल के थोड़ी देर छोड़ दो तो ये पॉट आपका इसके साथ ही फिक्स हो जाएगा सूखने के बाद, और आप इसको भी एक इस तरह से फ्लावर पॉट की तरह यूज कर सकते हो। अच्छा, आप चाहो तो इसको सामने इस तरह से भी कर सकते हो। हाँ जी, अच्छा। व्हाइट सीमेंट ना हो पास में तो? मैम व्हाइट सीमेंट नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल सीमेंट ले लो और उसको व्हाइट एक्रिलिक कलर से कलर कर दो। ओके। और जो हमारे पास सैंड पेपर आता है ना, अगर आप इस तरह की कोई चीज बनाते हो तो आप थोड़ी सी सैंड पेपर से आप इसको थोड़ा सा रब कर लेना ताकि इसका जो टेक्सचर है वो काफी स्मूथ हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। मैं जरा हैंड वॉश कर लेती हूँ, 2 मिनट।
यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को डाउट तो नहीं है कुछ पूछने के लिए? अगर आप चाहो तो कुछ पूछ सकते हो। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? कुछ पूछना तो नहीं है किसी को कुछ? यस मैम, क्लियर है। और मैंने ये एक इस तरह का भी पॉट बनाया है, ये मैंने इसको, ये जो हमारे पास टेप आते हैं ये मैंने टेप लगा दिया, और आधे को मैंने ब्लैक पेंट किया है और आधे को मैंने ये ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है इस तरह से। आप इसको चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, और अगर चाहो तो आप इसमें थोड़ी सी पेंटिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी वो कौन सी पेंटिंग थी है? बाद में सीखा है वो करना चाहिए। हाँ जी, बाद में पेंटिंग सिखाया ना, अभी वो करो। इसको मैंने ज्यादा ये डेकोरेट नहीं करूंगी क्योंकि ये मुझे वैसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें मैं अभी जैसे कि वर्ली पेंटिंग जो है हमारा बहुत फेमस है, तो मैं इसमें हल्का सा बस उसी की टच दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने पहले थोड़ी पेंसिल से बनाया है, बस हम इसको कलर करेंगे। इस पर मेरा स्केच भी चलेगा, और जिसके जिसको स्केच से करना है वो स्केच से कर सकते हैं, नहीं तो जो एक्रिलिक कलर करना चाहते हैं वो एक्रिलिक कलर ब्रश से भी कर सकते हैं। ये जो पतली वाली ब्रश आती है ना, इससे कर सकते हो आप, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा फाइन ब्रश की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप इसको ब्रश से कर सकते हो। Mm-hmm.
ये इस तरह से हम लेडीज को डांस करते हुए शो कर रहे हैं, ये ये दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंने इसको डेकोरेट किया है, ये जो हमारी ट्राइबल लेडीज होती हैं वो डांस करती हैं एक दूसरे के कमर पर हाथ रख के। ये इस तरह से हम कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ऊपर या इधर भी बॉर्डर दे सकते हो, लेकिन मैं इसको ज्यादा किटपिट नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैं इसको ऐसे सिंपल ही रखूंगी इस तरह से। Very nice, ma'am.
थैंक यू। ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब आप लोगों ने कैसा बनाया आप मुझे भी दिखाओ अपनी अपनी। हमारे तो सूख रहे हैं अभी। हाँ वो तो मैंने बताया ना कि इसको सूखने में, हाँ मैंने ये बताया था आपको कि इसको सूखने में ओवरनाइट लगेंगे अभी तो। हाँ तो फिर मैं तो अभी कैसे दिखाऊं पेंट करके। अच्छा आप लोग मुझे दिखाना। हाँ प्लीज दिखाओ। एक मिनट मैम मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ। नेक्स्ट रति मैम मेरा भी। अच्छा मीनाक्षी मैम वीडियो ऑन कीजिए। Oh, wow. ये मैंने अभी आपके साथ के पेंट बनाया है। वेरी नाइस। हाँ ये अभी निकल गया है। नहीं ये अभी बनाया आपके साथ ही निकल गया है। गीला है सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पर बॉटल से निकल जाना है। हाँ बॉटल से निकाल दिया। वेरी नाइस। और एक मिनट और एक मिनट मैम। मैंने एक और बना रखा पहले से मिंट लगा रखी है। वेरी नाइस। और वो आपके साथ बनाया है। हाँ वाओ मैंने पहले ही बताया कि हमारी सुपर मॉम्स बहुत ही क्रिएटिव है। वेरी नाइस। दिखाई निकी मैम। ओ वाओ। हाँ जी मैम। सो क्यूट स्मॉल एंड क्यूट। Very innovative, ma'am. Neetu, ma'am. Thank you. Thank you so much. किसका दिखाना है? So दिखाइए अर्जुन तोमर का मेरा पहला बना हुआ है वो दिखाती हूँ मैं आपको। कैमरा ऑन कीजिए। ये टॉवल का ही बना हुआ है। ओ वाओ आपने तो बहुत ज्यादा करके रखा हुआ है। बहुत सुंदर है बहुत ही ज्यादा सुंदर। बहुत चना जी बहुत सुंदर। ये फ्लावर लगे हैं और पीछे से ब्यूटीफुल है। ये तो अर्चना ये फ्लावर्स किस चीज के बना के लगाए? ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल वाले हैं। ओके ब्यूटीफुल थैंक यू। ये फ्लावर